कुछ लोगे? अरे नहीं नहीं, किसी तकल्लु की जरूरत नहीं है। जाओ ना, बुलाओ जाके अम्मी को। क्या बात करनी है उन्हें मुझसे? बड़ा वक्त कीमती है मेरा। वो तुम्हारे लिए चाय बनाने गई है। आ गई। सॉरी 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 बेटा, ना जब भी मेरे घर में कोई मेहमान आता है ना, ये मासी ना छुट्टी कर लेती है। इसकी तो मैं छुट्टी करूंगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ये समोसे और ये पकौड़े ये। अरे आंटी छोड़े पकौड़े समोसों, काम बताएं मुझे। क्या बात करनी है? आपने क्यों बुलाया? जल्दी करें। बेटा बात क्या करनी है? सिर्फ दरख्वास्त ही कर सकती हूँ। कहिए भी, सुन रहा हूँ। बेटा साइमा को तुम काफी अरसे से जानते हो और घूम फिर भी रहे हो इसके साथ। मोहल्ले वाले तुम्हें घर पे आता जाता भी देखते हैं, और सबसे बड़ी बात, तुमने इसको अंगूठी पहना दी है। तो तुम्हारी अम्मी रिश्ते की बात के लिए कब आ रही हैं हमारे घर? देखिए आंटी, ये बात मैं साइमा को भी कई बार बता चुका हूँ, आपको भी बता देता हूँ। इस वक्त मेरा पूरा फोकस मेरे बिजनेस पर है। जहां तक रही बात शादी की, वो भी कर ही लूंगा, थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ, इस बीच में अगर साइमा का कोई बहुत अच्छा रिश्ता आ जाता है आप, आई वॉन्ट फोर्स यू, जस्ट गो फॉर इट। नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, साइमा तो तुम्हारी ही अमानत है ना। तुम्हारा जब दिल करे, आराम से जब दिल करे तुम शादी कर लेना, ठीक है? वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत समझदार हैं आप। हाँ, आप लोगों की ये परेशानी के लिए मैं काम करता हूं। कार्ड है, ये रख लीजिए। इसमें इतना कुछ है कि आपकी सारी फरमाइशें, कपड़े, ज्वेलरी, सब कुछ पूरा हो जाए। और फिर भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बताइए, पूरी पूरी कर दूंगा। हाँ बता दूंगी, बता दूंगी। शादी तो मैं करूंगा ही, लेकिन अपनी मर्जी से, अपने वक्त। सही, ठीक है, चलता हूँ मैं। हाँ इतना खर्चा करवा दिया, ये तो खाया नहीं, नहीं खा लूं। ठीक है फिर, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। मिलते हैं। जरूर। गया? हाँ माँ, चला गया। आ रही हूँ। मूना मथा ते जिन पाड़ों लथा। बांस जैसे लड़के के पास सिर्फ पैसा ही है, अगर थोड़ी सी शक्ल सूरत होती ना तो पता नहीं क्या करता दुनिया के साथ। बताया था ना माँ कि बड़ा ही साइको है ये लड़का। पहले पहले तो बड़ा आगे पीछे फिरता था,
और जब इसको यकीन हो गया ना कि मैं इसके हाथ से नहीं निकलूंगी, काबू आ गई हूँ, फौरन से सांप ने अपनी केंचली बदलना शुरू कर दी है। वो कितने एटीट्यूड दिखा रहा था, मेरा तो दिल कर रहा था ये समोसों की प्लेट उठा के उसके मुंह पे दे मारूं मैं। जान, एक दफा मेरे से शादी हो लेने दे, फिर देखी इसको तो मैंने काम ही तमाम कर देना है। ओह हेलो, आराम से। हाँ आराम से, पहले पूरी जायदाद अपने नाम पे करवाना, उसके बाद चाहे इसकी लाश को बोरी में बंद करके समंदर में फेंक देना, समझी? तुझे पता है ये जो दौलत है ना, इसकी वजह से इतनी अजियत काट रही हूँ, वरना जो साइमा है ना, ऐसे मगरूरों को कभी मुंह भी ना लगाए। लो मैडम, आइए आइए, आपका इंतजार था। जब भी मेरे घर में कोई मेहमान आता है आप तो गायब हो जाती हैं। कहाँ थी? जी वो दानिश साहब थे ना। हाँ हाँ, तो इसका नाम कैसे जानती है? बेटा साइमा को तुम काफी अरसे से जानते हो और घूम फिर भी रहे हो इसके साथ, मोहल्ले वाले तुम्हें घर पे आता जाता भी देखते हैं, तो तुम्हारी अम्मी रिश्ते की बात के लिए कब आ रही हैं हमारे घर? इस वक्त मेरा पूरा फोकस मेरे बिजनेस पर। हाँ, इस बीच में अगर साइमा का कोई बहुत अच्छा रिश्ता आ जाता है, I won't force you. नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, साइमा तो तुम्हारी ही अमानत है ना, तुम्हारा जब दिल करे, आराम से जब दिल करे तुम शादी करे, ठीक है?